प्रैक्टिस टाइम, मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। मोहन ने देखिए ये जो पिक्चर में दिया हुआ है ना, ऐसा उसने अपनी जो उसके पास जो खाली माचिस के बॉक्स थे उसने इस तरीके से इनको अरेंज कर दिया, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट। अब आपको ये बताना है कि इस शेप में कितने मैच बॉक्सेस का उसने यूज़ किया है। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट, वॉट इज इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस, मैच डैश मैच बॉक्सेस। तो कितने मैच बॉक्सेस उन्होंने यूज़ किए हैं यहाँ पे, वॉल्यूम भी उतना ही होगा। तो देखेंगे सबसे ऊपर, अब देखिए सबसे नीचे वाली लेयर में कितने हैं। अगर आप साइड में देखेंगे तो इसकी साइड में कितने मैच बॉक्सेस लगे हुए हैं, दोनों साइड में देखेंगे तो 1 2 3 4, फोर फोर लगे हैं, मतलब कि चारों तरफ एक स्क्वायर टाइप का बना है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाएगा, है ना, 4 4 16। तो सबसे नीचे वाले जो लेयर है उसमें 16 मैच बॉक्सेस का यूज़ किया इसने। अब उसके बाद जो थर्ड लेयर जो सेकंड लग रही है नीचे से जो सेकंड नंबर पे है उसमें देखिए 3 3 3 मैच बॉक्सेस दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब कि 3 3, मतलब कि 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया, 3 3 जा 9, मतलब कि सेकंड वाली जो लेयर है इसमें 9 मैच बॉक्सेस यूज़ किए उसने। अब ऊपर वाली देखते हैं, थर्ड वाली जो है तो थर्ड वाली में 2 2 मैच बॉक्सेस दिख रहा है, मतलब कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 आ गया। और सबसे ऊपर तो सिर्फ 1 ही दिख रही है हमें, है ना। सो अब हम इनको प्लस कर लेते हैं, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ओके। तो इसको हम प्लस कर लेते हैं तो इनका टोटल आया 30, है ना। तो मतलब कि मोहन ने कितने मैच बॉक्सेस यूज़ किए, टोटल 30 मैच बॉक्सेस उसने यूज़ किए, तो इसका वॉल्यूम भी 30 ही होगा, है ना। हम यहाँ पे लिख देंगे 30 मैच बॉक्सेस। कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन अ इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट। अब आपको भी क्या करना है, खाली मैच बॉक्सेस जो आपके घर में बचे रहते हैं ना, जब खाली हो जाते हैं तो फेंक देते हैं, उनको आप कलेक्ट कीजिए और उनसे भी कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग आपको ना अलग अलग टाइप की ड्राइंग बनानी है। और जब आप उसका ये प्लेटफॉर्म तैयार कर लेंगे तो आपको अपनी कॉपी में भी उसका एक ड्राइंग बनाना है ना, कि किस तरीके से आपने उसको बनाया है। मेकिंग अ पेपर क्यूब, अब आपको एक पेपर क्यूब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। आनंद एंड हिज फ्रेंड्स आर मेकिंग अ क्यूब विथ पेपर, दे कट अ शीट ऑफ पेपर इन टू अ स्क्वायर ऑफ 19.5 सेंटीमीटर। तो जो आनंद है और जो उसके फ्रेंड्स हैं उन्होंने क्या किया, वो ट्राई कर रहे हैं एक स्क्वायर बनाने का, ओके। तो जो पेपर उन्होंने लिया उसका स्क्वायर का वो है 19.5 सेंटीमीटर की, उन्होंने एक शीट ली है और उसका साइड रहेगा 19, कट किया है उन्होंने उसको 19.5 सेंटीमीटर की साइड में। दे कट 6 सच स्क्वायर, और उन्होंने इसका कट किया है 6 सच स्क्वायर, इस टाइप के उन्होंने स्क्वायर बनाए। देखिए यहाँ पे नीचे स्टेप्स भी दी हुई हैं, फॉलो दिस फोटोज टू मेक योर पेपर क्यूब। अब आपको भी अगर एक पेपर क्यूब बनाना है, मतलब एक स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो ये जो नीचे स्टेप्स दिए इनको फॉलो करेंगे। फोल्ड द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक लाइन लाइक दिस। अब एक स्क्वायर शीट आपको लेनी है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि उसमें चारों जो लाइंस हैं वो क्लियर दिखने लगे आपको। सेकेंड है, फोल्ड द टेप टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर अपोजिट इट लाइक दिस। अब आपको ऊपर साइड से एक कॉर्नर छोटा सा जो साइड का पोर्शन है वो आपको अंदर की तरफ सिर्फ उस लाइन तक आपको फोल्ड कर लेना है, और सबसे नीचे वाली को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये। थर्ड, फोल्ड द टॉप एंड द बॉटम एजेस। अब आपको ऊपर साइड का जो एजेस है और नीचे साइड का है उनको भी फोल्ड कर देना है इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिया हुआ है। फोर्थ, सो दैट द पेपर लुक लाइक दिस, के बाद ये पेपर कुछ इस टाइप का दिखेगा और ऐसे फोल्ड करना है आपको। फिफ्थ, फोल्ड कॉर्नर क्यू इन द सेम वे, द पेपर विल लुक लाइक दिस। अब आपने उसको और फोल्ड किया तो देखिए इस तरीके से दिखेगा जैसे फिफ्थ वाले में दिख रहा है ना, क्यू एंड पी इस तरीके से। सिक्स, लिफ्ट कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस। अब आपको वो पेपर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देना है, उसके बाद ये पेपर जो है वो इस तरीके से दिखेगा, ओके। और इसके बाद डू द सेम फोर कॉर्नर क्यू। अब बिल्कुल इस तरीके से आपको जो सेकंड कॉर्नर है ना जो ओपन है उसमें भी ऐसा ही करना है। टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइन लाइक दिस। अब आपको जो पेपर है इस तरीके से उसको भी टर्न कर देना है, पलटना है, और उसको जो उसके एजेस निकले हुए उसको आप अंदर साइड कर लेंगे, तो आपका ये जो क्यूब है देखिए बन के तैयार हो गया है। 9, ईच चाइल्ड शुड मेक वन सच पीस, 6 चिल्ड्रन विल टेक देयर पीसेस।
एंड पुट वन साइड इन साइड अदर टू मेक दिस पेपर क्यूब। ठीक है, अब बिल्कुल इस तरीके से हर बच्चे को ये वाला जो है क्यूब ये बना के देखना है। ठीक है, और 6 चिल्ड्रन जो हैं एक पीस का इस तरीके से अलग अलग बना के एक क्यूब वो तैयार कर सकते हैं। जो इनके कॉर्नर है ना, अगर आप ये 6 टोटल 6 बना लेते हैं जैसा अभी आपको स्टेप बताई है ना, इसके थ्रू आप एक क्यूब बना पाएंगे। मतलब एक क्यूब में कितने जो साइड्स होते हैं, टोटल 6 साइड्स होते हैं। तो आपने अभी एक साइड बनाई है ना, अब आप ऐसे ही 6 अगर क्यूब बना लेंगे तो अब आप इन सबको मिला के, इनको जोड़ के आप एक क्यूब बना पाएंगे। ये 6 पीसेस से आप एक क्यूब बना पाएंगे। ओके, तो आप इसको बना के देखेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे। ओके, सो डू इट स्टूडेंट्स।